शो दैट 0.2353535 डैश इज इक्वल टू 0.235 बार, आपके पास बार है सिर्फ 35 के ऊपर, कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे लेट करके, लेट एक्स इजकल टू 0.235 बार, तो हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं, जहाँ पर बार है उस वैल्यू को हम बार बार लिख सकते हैं, यानी कि 0.2353535 हो गया। तो हमें वह वैल्यू चाहिए जो आपके पास एक आसान वैल्यू निकाल के दे, जैसे कि अगर मैं पॉइंट को यहाँ से रखा देता हूँ तो 3535 आपका रिपीट कर रहा है, 3535 रिपीट कर रहा है, लेकिन मेरे पास 2 नहीं निकल के आएगा। अगर मैं पॉइंट को यहाँ पर लगा दूँ तो आपके पास 3535 रिपीट कर रहे हैं, तो मेरे पास इस 5 से मेरे पास 2 आ जाएगा, यानी कि बोथ साइड मैंने मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो यहाँ लिख सकते हूँ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, तो मेरे पास 100x हो जाएगा, 100 इंटू 0.2353535 तो जो मेरा पॉइंट मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो 100x इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 23.5353535 लिखा है, तो हम 35 यहाँ पर ओ लिख सकते हैं। अब मुझे इस पूरी वैल्यू में से x की वैल्यू ढूंढनी है, सबसे आसान तरीका इन दोनों वैल्यू को मैं माइनस कर दूंगा, 23.5353535 को डैश को माइनस कर दूंगा मैं 0.2353535 ये माइनस का साइन लगा दिया, मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 0000 और ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 3.3 और यहाँ पर आ जाएगा 2। तो इस वैल्यू को हम तोड़ के लिख सकते हैं 23.3 + 0.2353535 जब मैं इन दोनों को वैल्यू को जोड़ूंगा तो मेरा आंसर इसके इक्वल आएगा। तो आपको पता है कि ये पूरी वैल्यू मेरे पास x के इक्वल है, तो हम x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो 100x इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 23.3 + x 100x, ये x यहाँ पर प्लस में, इधर आके हो जाएगा माइनस में, इक्वल टू 23.3 हो जाएगा, यहाँ पर 99x हो जाएगा, 23.3 हो जाएगा, 99 मेरा मल्टीप्लाई में है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड में, पॉइंट हटाऊंगा तो मैं 0 लगा सकता हूँ डिनोमिनेटर के अंदर, तो जो x की वैल्यू आए आपके पास आई है 233/990। तो आपका आंसर आ चुका है, अपने p by q की फॉर्म में लिखना था तो आपके पास आ गया है 233/990। p एंड q आर आपके पास हैं इंटीजर्स और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यही है आपका आंसर।